वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी श्री वाहिगुरु जी गुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी श्री नानक अंगद गुरु श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पगबंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर बर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरबिंद जिस मह अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघन विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी चौपाई नाहिन सुत को कंठी दई उठ गमन्यो घर क्या गत पई गयो समीप जाए कर बैसा हाथ जोर बोला बच ऐसा नाहिन सुत को कंठी दई गरीब नवाज सच्चे पातशाह दीन दुनिया दे मालक चबर छतर तखत दे मालक समर्थ गुरु प्रतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर वाहेगुरु अकाल पुरख जी दे सरगुण स्वरूप दासां गरीबां सिखां सेवकां अपनियां प्यारियां दी सदा ही पैज रखण वाले दया करन वाले रहमतां बख्शिशां करन वाले धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज सतगुरु जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बड़े ही प्यार नाल दोवें हाथ जोड़ के गज के सारियां संगतां उचारण करो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र पावन हाजरी विच सुभाए मान सतगुरु जी की प्यारी साजी नवाजी संगत जी आप जी अमृतमयी गुरबाणी जी का रस भिन्ना कीर्तन सरवण कर रहे सी तृपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम हर नाम ध्याया जेड़ियां संगतां बाहर ने खलोतियां ने उन्हां नूं दोवें हाथ जोड़ के मेरी बेनती है कि नाम भाई सहजे बोलो तुहाडी आवाज़ अंदर आ रही है गुरु घर का कुछ डिसिपलिन हुंदा है कोई माहौल हुंदा है उन्हों सारे माहौल नूं असीं रल के कायम रखना हुंदा है बड़े प्यार नाल दोवें हाथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र कथा सुखदाई कथा आप जी संगतां बड़े ही प्यार दे नाल सरवण कर रहे हो संगत जी सच्चे पातशाह आनंदपुर साहब जी की धरती ते सुभाईमान हन आप जी ने सरवण कीता नौ पिंड दे विच दुष्ट लोग रहिंदे सीगे महाराज ने उन्हां नूं सोधा दिता सोधा लाया जेड़े शरण विच आए उन्हां नूं महाराज ने रख लिया जी बचे शरण जो होए अगों हुण कथा चल रही है
गुरमुखो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे महान गुरसिखां दे विचों एक सिख का नाम ध्रुव तारे की तरह चमकदा है। उस सिख का नाम है भाई नंद लाल जी। भाई नंद लाल जी दे उत्ते बख्शिश किवें होई, किवें ओ गुरु घर दे सिख बने, हुण भाई संतोख सिंह जी ओ कथा लिख रहे हैं। इस कथा नूं सुन के मन विच चाओ भी पैदा हुंदा है धर्म कमाउण दा, और सतगुरां दे परथाए गुरमुखो साडी शरदा भी पैदा हुंदी है। बड़े प्यार नाल गज के कहो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। भाई नंद लाल जी का जन्म बाबा छज्जू मल जी दे घर विच होया जी। जन्म तो भाई नंद लाल जी बड़े बुद्धिवान सन, खत्रियां दे घर विच इन्हां दा जन्म होया, और जन्म तो ही बैरागी त्यागी साधु संतां वाला सुभा सी भाई नंद लाल जी दा। आओ पक्खा कटाओ। साधु संतां वाला सुभा भाई साहब भाई नंद लाल जी दा। बड़िया बख्शिशां बड़िया मेहरां मिलदियां ने। यह सब कुछ किवें हुंदा जी? गुरमुखो ओ कथा आपां सुणनी है। भाई नंद लाल जी कोई छोटी हस्ती नहीं हैगे। भाई नंद लाल जी दियां गजलां दा कीर्तन हरिमंदर साहब दे विच हुंदा है। पिछे जे दरबार साहब दे रागी सिंह हरिमंदर साहब दे अंदर गा रहे सी, दीन दुनिया दरक मंदे आपरी रुखसारे मां, हर दो आलम कीमते यक तार मूए यार मां। ये एवें थोड़ी कृपा हो गई गुरमुखो, वो आप सुनना सारा कुछ। भाई नंद लाल जी के पिता जी बाबा छज्जू मल जी ने, क्योंकि वह भी वैष्णव सन, गल विच कंठी पाई सी, ते ब्राह्मण नूं अपना गुरु मनते सन, उहदे कोलों उपदेश लेंदे सीगे। भाई नंद लाल जी दे वल वेख के बाबा छज्जू मल जी बड़े खुश हुंदे रहिंदे सीगे भी मेरा पुत बड़ा वधिया है, बड़ा नेक है, बड़े चंगे सुभा दा है। 12 सालां दी उम्र होई भाई नंद लाल जी दी। जदों 12 सालां दी उम्र होई, पिता जी ने विचार कीती भी हुण मैं नंद लाल नूं भी वैष्णव मत वाले पासे प्रेरां। श्री राम जी नूं ते विष्णु जी नूं वैष्णव मत वाले गुरमुखो मनदे हन, गल विच कंठी पाउंदे आ, ते जिहड़ा ब्राह्मण गल विच कंठी पावे लक्कड़ दी माला पावे उहनूं इह अपना गुरु मनदे हन जी। इसे तरह होया, ब्राह्मण नूं लिया के घर विच बिठाया ते भाई नंद लाल जी दे पिता आप होर कारजां विच लग गए। ब्राह्मण ने आ के भाई नंद लाल जी नूं कहा भी गल करो तुहानूं कंठी पा के ते मैं वैष्णव धर्म विच लै आवां। भाई नंद लाल जी ने उत्तर दिता, कहण लगे लक्कड़ दी कंठी ना पाओ, ये ते समें नाल टुट जानी है, समें ना मेरा गल वड्डा होना है, इन्हें छोटी हो जाना है। मेरे गल विच जे कंठी पाउणी है ते परमात्मा दे नाम दी पाओ, मेरे गल विच नाम टका दिओ। गुरमुखो ये बैराग दी अवस्था है, ये ज्ञान दी अवस्था है। आम दुनियादार बंदे इस गल नूं समझ नहीं सकते। वो कहणगे किहड़ी गल है, दुनियादार तां चुप करके कंठी पवा ही लैंदे सी सारे, पर भाई नंद लाल जी गुझी गल कर रहे हैं, डूंगी गल कर रहे हैं। और एहो ही गल गुरु नानक साहब जी महाराज ने भी की सी। महाराज ने कहा सी ना भी जे मैनू जनेऊ पाउणा है ते दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट, एहो जनेऊ जी का हई तां पांडे घत।
कहिंदे दया कपा संतोख वाला जनेऊ हैगा तां मेरे गल विच पा दे, क्योंकि उस जनेऊ ने टुटना नहीं, सड़ना नहीं, मैला नहीं होना, किते जाना नहीं। भाई नंद लाल जी की भी पूर्वली कमाई है, कल आपा पंक्ति पढ़ी सी ना, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटया ना जाई। भाई नंद लाल जी की पूर्वली बंदगी है, इस करके वो बंदगी बोल रही है। कई जड़े पिछले जन्मां दे बंदगी वान हुंदे है ना, गुरमुखो छोटे हुंदिया तो ही उन्हां नूं बहुता पढ़ना नहीं पैंदा, वो सियाने बन जांदे है। बचपन तो भाई नंद लाल जी दे अंदर परमात्मा दा नाम हासिल करन दी खिच सीगी। गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरू। बचपन तो सो वो कहन लगे भी जे है एहो जी कंठी है तो पांडे घत, जे ब्राह्मण जी वो कंठी है परमेश्वर दे नाम दी तां मेरे गल विच पा दो, नहीं तो आ रहण दियो। वो ब्राह्मण सुन के नाराज नहीं होया, वो खुश होया। वो कहन लगा तेरी बुद्धि बड़ी विशाल है, तू सियाणा है, कोई नहीं नंद लाल, कोई समा आएगा परमात्मा दे नाम दी कंठी पवाउण वाला गुरु भी तेनू जरूर मिलेगा। गज के आखो वाहेगुरू। ओ गुरु जरूर मिलेगा जिहड़ा तेनू परमात्मा दे नाम दी कंठी पवाएगा। गुरमुखो ने रिस नहीं धारण कीती, गुस्सा नहीं धारण कीता, बल्कि वह खुश होया। उठ के सतसंगत जी वो अपने घर आ गया। इतों हुण अगों कथा चलती है। धरो बाजां वाले सतगुरां दा ध्यान, गज के आखो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब संगत गज के आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। हाँ जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। चौपाई नाहिन सुत को कंठी दई, उठ गमन्यो घर का गत पई। घर क्या गत पई, पिता जी ने वेख्या भी मेरे पुत दे गल विच कंठी नहीं पाई, माला नहीं पाई, भी की गल हो गई है। भी ब्राह्मण देवता जेड़ा है वो उठ के अपने घर चले गया है। गयो समीप जाए कर बैसा। ते भाई नंद लाल जी दे पिता जी बाबा छज्जू मल जी उस ब्राह्मण दे कोल गए, जाके ओदे कोल बैठ गए। हाथ जोर बोला बच ऐसा, बड़े प्यार नाल हाथ जोड़े, निम्रता वेच आए, हाथ जोड़ के बेनती कीती। करहो कृपा कंठी घर पाव हो। कहिंदे जी की गल, तुसी वापस मुड़ के आ गए, तुसी गल विच कंठी नहीं पाई मेरे पुत्र दे, किरपा करो ओदे गल विच कंठी पा दियो। नंद लाल को सिख बनाव हो। ते नंद लाल नू अपना चेला बनाओ, मैं भी तुहाडा चेला, ते मेरा पुत नंद लाल वो भी आप जी दा चेला बने, किरपा करो मेरे पुत नू अपना चेला बना लवो। सुनत वैरागी कहियो सुनाए। आखो वाहेगुरू वाहेगुरू। सात संगत जी उस ब्राह्मण ने भाई नंद लाल जी दे पिता दी गल सुन के क्या एहो जग्यासी सहज सुपाए। कहन लगे भी सुनो छज्जू मल, तेरे भाग चंगे है,
तेरा पुत सहज सुभा जिग्यासु है। जिग्यासु किनू कहते हैं? वो कहते ना ताड़ा पुत जिग्यासु है। जिग्यासु ओनू कहते हैं जिन्हों रब नाल मिलन की इच्छा होवे, परमात्मा दे राह उत्ते चलन का शौक होवे। गुरमुखो ओनू जिग्यासु कहते हैं। और जिदे अंदर जिग्यासा होवे परमात्मा नू जानन दी पछानन दी, आखो वाहेगुरु वाहेगुरु। हुण संसार विच संसारी तां मिल जाणगे पर जिग्यासु नहीं मिलदे। बड़े बड़े संत महात्मा रब दे प्यारे इस गल दा अफसोस जताउंदे आ, कहिंदे सानू जिग्यासु नहीं कोई मिलिया। जे कोई गुरद्वारे आउंदा भी है वो अपनियां संसारी मंगां नू आउंदा है, गुरु नू पाउण वाला नहीं कोई मिलदा, जिग्यासु नहीं मिलदा। वो कहिंदे तुहाडा पुत जिग्यासु है, जिग्यासु और सहज सुभाव है। कई वारी बंदा जोर लाउंदा भी मैं भी जिग्यासु बणा, पर इस रस्ते दी जिग्यासा पैदा नहीं चे हुंदी। कहन लगा भाई तुहाडा पुत नंद लाल वाकई नंद लाल है। आखो वाहेगुरु वाहेगुरु। ओ तां सहज सुभा जिग्यासु है। जब होवे है जह को अधिकारी बन है सिख एहो चिंत बिसारी। जदों ए थोड़ा वड्डा होएगा ते ए अधिकारी होएगा, इनू समय नाल कोई पूरा मिलेगा ते पूरे दा ए चेला बनेगा, एदी ए भी चिंता दूर हो जाएगी कि भी मैं रब नू मिलना है। जदों ये थोड़ा वड्डा होएगा इहदे ते किरपा होएगी, पूरा मिलेगा पूरा। हा गुरमुखो ये रस्ता कल्यां तुरन वाला नहीं है, इत्थे पूरे दा साथ चाहिदा ही चाहिदा है। साडे सतगुरु जी पूरन हन, कहो नानक मेरा सतगुर पूरा पूरा। हाँ जी। सुन तूषण पित तिसको पायो। सुन के भाई नंद लाल जी दे पिता जी सुन के चुप हो गए जी, उन्हां नूं समझ नहीं आई जी। हाँ जी। भली बुरी कुछ लखत ना पायो। ओ कहन लगे भी पता नहीं की गल कही है, आउन वाले समय च की होएगा मेरे पुत्र दे नाल। नंद लाल नित मकतब जाए। आखो वाहेगुरु वाहेगुरु। भाई सागर सिंह इधर भी वेख लेगा इधर। आखो वाहेगुरु वाहेगुरु। नंद लाल नित मकतब जाए। भाई नंद लाल जी रोज उथे मदरसे जाते सीगे पढ़ने वास्ते। हाँ जी। इलम फारसी पढ़े बनाए। ते फारसी पढ़ते सीगे जी, विद्वान भी सीगे नंद लाल जी। ये थोड़ी भी कल्ले माला फेरन वाले ही सीगे, बड़े विद्वान सीगे, सियाने सीगे। सो बचपन तो ही गुरमुखो उन्होंने फारसी पढ़ी। तीक्षण बुद्ध पुनः अभ्यासे। बड़ी तिखी बुद्धि दे सीगे जी। तिखी बुद्धि दा उन्नू कहिंदे आ भी जिहदे दिमाग च छेती गल बह जे, उन्हों कहिंदे बड़ी तिखी बुद्धि है, बड़ा सियाणा है। भाई नंद लाल जी पढ़दे गल समझ आ जांदी जी। हाँ जी। नित प्रत विद्या बहुत प्रकाशे। हर रोज विद्या पढ़दे, विद्या पढ़ दे। ब्रिंद किताबन को पढ़ गयो। ते कई किताबां उस जमाने दियां अरबे फारसी उर्दू हिंदी भाई नंद लाल जी पढ़े ते अभ्यास बड़ा करते हुंदे सीगे। सार किताबली ग्रंथ च लिखिया कहिंदे सहस गुणा विद्या वधे पुनः पुनः अभ्यास। आखो वाहेगुरु वाहेगुरु। बार बार अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास करिए ते विद्या सौ गुणा वधदी है, सौ गुणा वधदी है।
सतसंग जी जेड़े बार बार पढ़ते है बार बार अभ्यास करते है फिर विद्या उन्हां दी रसना ते वस जांदी जी, उन्हां दी रसना ते वस जांदी। सो ये तीक्षण बुद्धि पुनः अभ्यासे, एक तो नंद लाल जी सियाने बड़े सी, उत्तों अभ्यास बहुत करते सन, कई किताबा पढ़ गए, इलम बिखै कामल बहु भयो, पढ़ाई विच भाई नंद लाल जी कामल बन गए जी, पूरे बन गए जी, बड़े सियाने बन गए जी, हर प्रकार की विद्या रसना ते आ गई जी। सब चतुर कहबे शुभ बात, ते गल बात करन वेच स्याने हो गए। आखो वाहेगुरु वाहेगुरु, ये भी ते परमेश्वर दी मेहर हुंदी है भी गल बात करनी आ जाए बंदे नूं जी। हाँ जी, अधिक बधत सब मह बख्यात, उस इलाके वेच भाई नंद लाल जी पढ़दियां पढ़दियां सारे इलाके विच मशहूर हो गए भी नंद लाल बड़ा सियाणा है, नंद लाल बहुत सियाणा है, नंद लाल गलबात विच बड़ा चतुर है, विद्या बड़ी है। ते सब तो वड्डी गल, नंद लाल जिन्हों अपनी विद्या दी होमे नहीं सी हैगी जी, पढ़ाई नहीं माड़ी गुरमुखो, पढ़ाई दा हंकार माड़ा है, हमे नहीं सी हैगी भी मैं ये पढ़ाई कर रहा, बड़ी निम्रता वेच रहिंदे सीगे जी। हाँ जी, हुतो बहादुर शास्त्र जादा, हाँ जी, करी चाकरी तह हलादा, औरंगजेब दा पुत्र सीगा जिदा नाम सी बहादुर शाह, समय नाल बादशाह बहादुर शाह कहिंदे सी, पहला ओहदा नाम सीगा शहजादा मुद्दब। भाई नंद लाल जी उदे दफ्तर वेच काम करन लग पए, पढ़े लिखे सीगे जी, मीर मुंशी लग गए, जिन्हों आपां कहने सरकारी नौकरी मिलनी, सरकारी नौकरी मिल गई नंद लाल जी नूं। हाँ जी, गुर करबे को चाहत रहै, पर आखो वाहेगुरु वाहेगुरु, अजे तक गल च कंठी नहीं सी पाई नंद लाल जी ने, क्यों? मन विच ए सी भी कोई पूरन गुरु मिले जेड़ा मेरे गल विच मेरे हिरदे च नाम टका दे, ओनू गुरु बनावांगा मैं। हाँ जी, पूरन होहे मोह को दह, जेड़ा पूरन होवे ते मोह नू दूर कर दे। गुरमुखो ये वास्ते मैं पहला बेनती की गुरु की कृपा की जरूरत च, सब नू पता नाम जपना चाहिदा। आखो वाहेगुरु वाहेगुरु, सब नू पता ना जी नाम जपना चाहिदा, किन्नू नहीं पता भी नाम जपना चाहिदा, पर पता होने दे बावजूद जी नहीं करदा बंदे दा जी, जे जी करन लगे ते फोन पवा के परा मार गए भी घड़ी नाम जपना, जे जी करे ते टीवी ते ड्रामे ना वेखना नाम जपना, जी नहीं पता है पर जी नहीं करता जी। ये वास्ते पूरन गुरु की कृपा की लोड़ है। हाँ जी, पुर आनंद मैं जलद आनंद, हाँ, दसवें पातशाह सुख कंद। भाई नंद लाल जी ने बहादुर शाह के दफ्तर विच नौकरी करदिया ये गल सुनी भी इस धरती ते एक आनंदा दी पुरी है जिन्नू लोग आनंदपुर कहिंदे है, ते आनंदपुर दे विच, आनंदपुर दे विच दसवें पातशाह रहिंदे है जिहड़े सुखां दे सागर ने। हाँ जी, महिमा सुनी अनेक के पास, बहुत सारे लोकां कोलों भाई नंद लाल जी ने महिमा सुनी सीगी जी, महाराज दा जस सुनिया सी, महाराज दी वड्याई सुनी सीगी, ब्रह्म ज्ञान के महाप्रकाश। आखो वाहेगुरु, वेखो गुरमुखो जिन्हें जिहड़ी चीज लैनी हुंदी है ना ओ ओहो ओहदे वल ही ध्यान रखदा जी,
भाई नंद लाल जी ने महाराज की सोए सुनी, खबर सुनी कि भी गुरु गोबिंद सिंह ब्रह्म ज्ञान की दात भी दे देंगे ने, ब्रह्म ज्ञानी भी बना देंगे है। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली ते वाह वाह वाह। पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली। भाई नंद लाल जी ने ए खबर सुनी, सिख की गत बाकन ते करें, भी गुरु गोबिंद सिंह आनंदां दी पुरी विच रहिंदे ने और ब्रह्म ज्ञान दी दात बख्शिश करदे है, एक बचन करके ही अपने सिखां दा भला कर देंदे है, गत कर देंदे, मुक्ति दे देंदे है। अनेक कलेशन को पर हरें, ते जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी दा सिख बन जावे, महाराज उहदे अनेक कलेश दूर कर देंदे है। भाई नंद लाल जी ने खबर सुन ली जी, सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला। सोए कहिंदे खबर नूं, जदों गुरु की खबर सुनी तो तन मन विच आनंद बन गया जी। हाँ जी, सुजस सुनत धर हरख बिलंद, ते बस फिर के सी भाई नंद लाल जी ते चाहुंदे सीगे कोई पूरा गुरु मिले, बड़ा कोई सियाणा पुरश होएगा जिहड़ा पूरा गुरु लभण तुरदा जी। आम बंदे दे दिमाग च नहीं ये गल आउंदी। बड़े खुश हो गए भाई नंद लाल जी, पहुंचत पा तब नगर आनंद। कुछ दिन दी छुट्टी लई भाई नंद लाल जी, गुरमुखो आनंदां दी पूरी आनंदपुर साहब विच आ गए जी। हाँ जी, हृदय मनोरथ जात उठावा, अपने मन विच ये फुरना बना लिया जी। एक तुसीं कथा सुनी, मैनूं पता चेहरे तो पता लग जांदा भी फुरना कोई होर आ गया मन च। वह बाद चों है जिहड़ी कथा ना, औरंगजेब तों डरदे आउणगे, अजे पहलां वैसे आए जी। रिदे मनोरथ जात उठावा, रस्ते विच भाई नंद लाल जी ने फुरना बना लिया, गुर अंतर जामी सब पावा। कि जे महाराज अंतर जामी है, लोग तां गुरु गोबिंद सिंह जी की बड़ी तारीफ करते, बड़ा जस करते है, जे ये वाकई अंतर जामी हन, हृदय मनोरथ मेरो जन है, ते मेरा फुरना बुझ लैण है। हाँ जी, करुणा कर है बुलावन ठन है। की फुरना भी मैं आनंदपुर विच जाके बह जाना, आप आवाज मार के मैनू सदना, उन्ना चिर नहीं मैं जाना। आखो वाहिगुरु वाहिगुरु। कोई गल नहीं, जे मनोरथ बना लिया, क्योंकि भाई नंद लाल जी पढ़े लिखे बड़े से, जेता पढ़िया तेता कढ़िया, पढ़े लिखे बड़े सी, विद्वान बड़े सी, ते विद्वान बंदे दी छेती श्रद्धा नहीं बनती किसी ते, पढ़ाई लिखाई भी एक द्वार बन जाती थी। इन्हां मन विच सोचिया भी मैनू आवाज मारन आप। हाँ जी, अपनो सिख पठाए हकार। फिर ये भी सोचिया भी सिख भेजण, ते सिख भेज के मैनू सदन, मोहे अधम को जगत उधार, मोहे अधम को जगत उधार, ते फिर मैनू नीच नू मेरा उतारा कर देन, पार उतारा कर देन। चेता रखियो, मैं सच दसदा, भाई नंद लाल जी विद्वान है, ठीक है, उन्होंने शंका रखी है, कसवट्टी जी रखी है भी महाराज सच्चे पातशाह आवाज मारन, सिख नू भेजन, मैनू सदन, ते मैं कोल जावां।
पर मन की यह भावना भी मेरे नीच का उधार करना, मैं नीच हाँ। गुरमुखो तुहाडी शरदा बन जाएगी छेती, कथा करन वाले कीर्तन करन वाले पाठ करन वालियां दी शरदा नहीं जे बनदी है। ये कल्ले नहीं आउंदे, इन्हां दे नाल दो जने आउंदे है, एक मैं आप आउंदा, एक मेरी हौमे आउंदी है, एक गुरमुख प्यारे करदे कथा ही है। वो मैनू कहन लगे, कहिंदे असीं फलाणे महात्मा दे कोल गए, महापुरशां दे कोल गए, उन्होंने साडा बड़ा सत्कार कीता, कहिंदे बड़े उच्चे महापुरख ने। ते मैं मन विच सोचिया भी ये साडे तबके नूं आदत हैगी अपना सत्कार कराउण दी, पर अपनी ज्ञान अपनी विद्वता परां रख के फिर जाना बड़ी वड्डी गल है। भाई नंद लाल जी मन विच सोचदे आ कि महाराज मैनू नीच नू वाज मारन, मेरा उधार करन। एव मनोरथ करत है रहयो, ए मनोरथ भाई नंद लाल जी ने अपने मन विच बना लिया। होए एकंत बैठ गुर चाहयो, ते आनंदपुर साहब दे विच एक पासे कल्ले ही बह गए जी, दो चार कपड़े नाल लियांदे सीगे, एक पासे कल्ले बैठ गए। कर है प्रतीखन गुर की दिशते, ते गुरमुखो भाई नंद लाल जी हुण उड़ीक रहे है भी बाजां वाले मैनू कदों वाज मारदे है। हाँ जी, आए मिला है को दरसों जिसते, आवे कोई सिख आवे मैनू आवाज मारे, मैं फिर जावां महाराज दे कोल। गुर पूरन को खोजत रहे हो, क्यों पूरन गुरु लभ रहे है, जे गुरु पूरा होएगा ते मैनू आवाज जरूर मारेगा। हाँ जी, फिर अनेक थल कहूं ना लहे हो, बड़िया थावां ते नंद लाल जी तुरे सी फिरे सी, बड़ी खोज खोजी सीगी पर किते गल नहीं सी बनी, क्यों पूर्वले जन्मां दे गुरु घर दे सेवक ने, किते होर गल बनी नहीं सी सकती जी। हाँ जी, पते हेत आनंदपुर वासे, हाँ मोहे बुलावें श्री गुरपासे, भी मैं आनंदपुर साहब रहना, मन च सोचिया पता लैण लई भी गुरु गोबिंद सिंह पूरे ने, ते जे पूरे होणगे तां मैनू आप बुलाउणगे। धर है ध्यान को सिमरह नामू, भाई नंद लाल जी ध्यान धार के ते जेड़ा नाम जपदे सी एक पासे बह के जपन लग पए। सुंदर मूरत श्री मुख धामू, ते गरीब नवाज महाराज दा मुख मंडल अपने मन विच सोच लिया भी इहो जिहा मुखड़ा होएगा, इस तरह दा शरीर होएगा महाराज दा, वो सब कुछ सोच के ते ध्यान ला के बैठ गए। कितक दिवस इस रीत बतीते, गज के आखो सतना श्री वाहे गुरु। महाराज ने भी वेख्या भी किन्ना कु सेंदा है नंद लाल, महाराज अंतरजामी जान ते महाराज उदों ही गए जदों नंद लाल दी आनंदपुर साहब आए, पर महाराज भी जान के कुछ दिन आवाज नहीं मारीए भी वेखदे आ सबर हैगा कि नहीं हैगा। सबर भी तो चाहिए ना, धीरज भी तो चाहिए ना। कई दिन महाराज ने बार बिठाई रखिया जी, आवाज नहीं मारी, पाओ भगत बिरधावत चीते। पर कमाल दी गल है, नंद लाल जी ते पूर्वले भाग क्यों टिकाणे जो पहुंच गए है। नंद लाल जी ने शंका नहीं मन विच लिया, नंद लाल जी होर प्रेम नाल महाराज नूं याद करन लग पए जी, होर मन विच प्रेम आउणा शुरू हो गया। सतगुर चरण प्रेम बड़ जागा, महाराज सतगुरां दे चरणां दे नाल बहुता ही प्रेम भाई नंद लाल जी दा जागया है। निस बासुर एक सम अनुरागा, एक पासे एकांत च बैठे है ते दिन रात
ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨਾ, ਕਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਖੈਂਚ ਮਹਾਨਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਬੰਦਾ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਆਪਾਂ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਦਿਆਲ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਸਵੱਟੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੈ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿਓ ਨਾ ਗਇਓ ਧੀਰ ਕਰ ਗੁਰ ਤੇ, ਜੋ ਸਿਮਰਤ ਅਨੁਰਾਗਤ ਉਰ ਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈਏ। ਕੀਨ ਮੇਵਰੇ ਕੋ ਤਬ ਆਇਸ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੇਵੜਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਏਕ ਸਿੱਖ ਥਿਤ ਅਮਕੇ ਥਾਇਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਕਰੋ ਹਕਾਰਨ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹੀ ਛਿਨ ਮੈਂ ਆਨ ਦਿਖਾਏ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਓ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਸੁਨਤ ਮੇਵਰੋ ਤੂਰਨ ਗਇਓ, ਮੇਵੜਾ ਸਿੱਖ ਭੱਜਾ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੋਹੇ ਬੁਲਾਵਤ ਭਇਓ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਵੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਬ ਹੀ ਲਗ ਚਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਹਿ ਉਧਾਰਨ ਰੱਖਹਿ ਸ਼ਰਨੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਤ ਕਾਨ ਮਹਿ ਆਨੰਦ ਮਹਾਨ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਸਿੱਖ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਸਮਝਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੈ,
ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਮਨਹੋ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਲ ਜਹਾਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਓ ਚੜਿਆ, ਇੰਨਾ ਚਾਓ ਚੜਿਆ, ਮਨੋ ਇਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਤ ਸ਼ਿਨ ਹਰਖਤ ਆਵਨ ਕੀਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਕਮਲ ਪੱਤਰ ਸੇ ਲਲਿਤ ਬਿਲੋਚਨ, ਜਿਤ ਦਿਸ਼ ਭਿਖ ਕਰ ਸੋਚ ਬਿਮੋਚਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਪੱਗ ਪੰਕਜ ਡਲਪਟਾਇਓ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਹੇਠਾਂ ਲਮਕਾਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲਿਓ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਚਾਓ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤਰਾਹੀ ਮਾਮ, ਤਰਾਹੀ ਮਾਮ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਏਕ ਆਹੋ ਤੁਮ ਜਮ ਤੇ ਤ੍ਰਾਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓਗੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਮ ਹੈ, ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ। ਆਗੈ ਜਮ ਦਲ ਬਿਖਮ ਘਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤ ਕੇ ਅਵਤਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨਤ ਸੁਜਸ ਆਇਓ ਦਰਬਾਰਾ। ਚਰਨ ਫੜੇ ਹੈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਅਭਹਾਰੇ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੀ, ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਰਮਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਪਰਿਓ ਸ਼ਰਨ ਰੱਖ ਰੱਖਨ ਹਾਰੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਰੱਖੋ ਰੱਖਨ ਹਾਰੇ, ਰੱਖੋ ਰੱਖਨ ਹਾਰੇ, ਰੱਖੋ ਰੱਖਨ ਹਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖੋ ਰੱਖਨ ਹਾਰੇ, ਰੱਖੋ ਰੱਖਨ ਹਾਰੇ,
ਰੱਖੋ ਰੱਖਣਹਾਰੇ, ਰੱਖੋ ਰੱਖਣਹਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖੋ ਰੱਖਣਹਾਰੇ। ਚਰਨ ਫੜੇ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਬੇਨਤੀ ਗਿਣਤੀ ਤਜ ਔਰ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਸਭ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡੇ, ਭੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੋਢੀ ਸਰਮੌਰ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਦੇਖਣ ਕਰਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਸ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਭ੍ਰਮ ਅਗਿਆਨ ਸੋ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰਿਓ, ਤੇ ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ। ਭਰਮ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਰਮ ਕੀ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਰਮ ਅਗਿਆਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਹ ਮਹਾਨ ਨੀਂਦ ਮਹਿਸੋਵਾ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਗਤ ਭਇਓ ਗੁਰੂ ਰਵ ਜੋਵਾ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੌ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੋਹ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੋਲਿਓ ਤਿਸ ਕਾਲ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਬਸ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਨੋ ਜਦੋਂ ਮਨੋ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਾਂਗੂ, ਹੋਏਗੀ ਕਿਰਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਜੀ, ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਗ ਜਗੇ ਕਿਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਪਾਏ ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰੀ, ਇੰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਹਿਓ ਨਿਕਟ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਕਨੇਰੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਬੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਓ ਕਸੌਟੀ ਬਿਨ ਮਨ ਖੋਵਾ, ਬਾਰਹ ਬੰਨੀ ਕੰਚਨ ਹੋਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਸੌਟੀ ਸਹਿ ਕੇ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ,
इस तरह भाई नंद लाल जी नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी कृपा दे नाल शुद्ध कर दिता जी, मेहर कर दिती मेरे सतगुरां ने। बैठ सभा में सतगुर आगे, जदों महाराज ने सभा लाउणी भाई नंद लाल जी नूं लागे बिठाउणा, अगे बिठाउणा, महिमा कर है गुरन अनुरागे, ते भाई नंद लाल जी प्रेम चा के ना फिर सतगुरां दी महिमा गाउंदे, बीच फारसी बैत बनावे, फारसी दे विच बैत बनाउंदे महाराज दी शोभा विच, गुरु घर दी शोभा विच, रुचिर बाक कहे गुरु रिझावे, ते बड़े सोहणे सोहणे बचन करके सतगुरां दी वडियाई करदे। जिहड़े आपां बचन पढ़दे ना, नासरो मनसूर गुर गोबिंद सिंह, एत दी मनजूर गुर गोबिंद सिंह, हक हक अगा गुर गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुर गोबिंद सिंह। ए महिमा भाई नंद लाल जी महाराज जी दी बनाउंदे है, दिन दुनिया दर कमंदे आपरी रुख सारे मां, हर दो आलम कीम ते यक तार मुए यार मां, सिफत गाउंदे है, हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा, वगर नह जो के चुनी आमदन नाबूद बरा, महिमा गाउंदे महाराज जी फारसी विच गाउंदे जी। हाँ जी, बहु चतुराई गुण गन साथ, बड़ी सियाणप पवित्रताई दे नाल महाराज दे गुण गाउण लगे, सेवक नित प्रत श्री गुरनाथ, ते गरीब नवाज सतगुरां दे सेवक बन गए जी। हाँ जी, केतक दिवस बास कर पास, विदा होए पुन गयो आवास, कुछ दिन महाराज दे चरणा च रह के सिखी धारण करके नंद लाल तो नंद लाल सिंह बन के गए, अमृत छक के गए, पर गुरमुखो गुप्त पहरा रखिया, आखो वाहेगुरु वाहेगुरु, क्योंकि औरंगजेब दे पुत दे दफ्तर च नौकरी करनी है। कुछ दिन बाजां वाले सतगुरां दे कोल रहे, सदा ध्यान सतगुर को धारे, फिर विदा हो के अपने कम कार वाले पासे चले गए, पर जाके ध्यान महाराज दे चरणां विच रखिया जी। हाँ जी, उठत बैठत नाम संभारे, उठदियां बैठदियां भाई नंद लाल जी दी लिव लग गई जी। लिव की लगी जी, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ, ਲਿਵ ਜੂ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕਰਕੇ ਦਸਵੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਮਗ ਮੈਂ ਮਹਾ ਉਮਾਹਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕੇ ਨਿਕਟ ਰਹੰਤਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੁਮਤਵੰਤ ਜਿਸ ਸੰਤ ਮਹੰਤਾ, ਸੁਮਤਵੰਤ ਜਿਮ ਸੰਤ ਮਹੰਤਾ, ਇਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਹਿਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ੀਕਾ, ਤਿਸੈ ਬਤਾਵਹਿ ਮਾਰਗ ਨੀਕਾ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਵੰਤਨ ਮਹਿ ਗਿਨੀਐ ਸਾਰੇ, ਨਿਪੁੰਨ ਫਾਰਸੀ ਇਲਮ ਮਝਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਵੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ
भाई नंद लाल जी का गुरु घर के नाल अगों हुण जिवें जिवें नंद लाल जी की कथा है वो आपां सरवण करांगे। अज भी जदों गुरु गोबिंद सिंह जी की महिमा गाउणी होवे गुरु घरां दे विच भाई नंद लाल जी की रचना पढ़ी जाती है। आखो वाहेगुरु वाहेगुरु। भाई नंद लाल साहब जी की रचना पढ़ी जाती है। नंद लाल साहब जी की रचना का कीर्तन हुंदा है, संगत आनंद लेंदियां ने। ओ भाई नंद लाल साहब जी इन्ना प्यार करदे महाराज नूं। सो अगों प्रसंग आपां अगले दिनां विच सरवण करांगे। गरीब नवाज मेहर करन, घर विच बैठियां उठदियां बैठदियां नंद लाल जी वाहिगुरू वाहिगुरू जपदे है। आओ आपां भी दो मिनट जप लईए, फिर खिमा मंगांगा। कोई रसना वांझी ना रहे, प्यार नाल गज के सारी संगत आखो जी वाहेगुरु 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 प्यार ना वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गरीब नवाज मेहर करन, भुलां दी माफी बख्शियो, गज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।